संसार के लोग बेटी को बोझ न समझें, इसलिए करवाता हूँ निःशुल्क सभी जातियों के सम्मेलन। ये कहना है ग्राम छैलाई में जन्मे समाजसेवी भजन दादा प्रेम नारायण राठौर का, जो हर वर्ष अपनी जन्मभूमि पर सभी जातियों के विवाह संपन्न कराते हैं, जिसका पूरा खर्चा राठौर परिवार उठाता है। जो 30 मई को 90 बेटियों के विवाह संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें 22 मार्च से भागवत कथा चल रही। कथा के 7वें दिन कृष्ण की बारात के साथ कृष्ण रुक्मणी विवाह चरित्र दिखाया गया। कथा 29 को पूर्ण होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार की बेटी को बोझ न समझे वाली पीड़ा को आगे बढ़ाते हुए सभी जातियों की निःशुल्क सम्मेलन 15 गृहस्थी के सामान देकर पूर्ण कराए जाएंगे। के सभी बर्तन टीवी आदि भगवान के दहेज में वस्त्र आदि दान कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहेंगे जन्मभूमि है, वहाँ पर सभी जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं, किस उद्देश्य से हो रहे हैं और कब से होते आ रहे हैं? ये कार्यक्रम 2005 से चल रहा है और अभी तक 2500 शादियाँ हो चुकी हैं। इसका मेन उद्देश्य तो ये है, जो लोग बेटियों को भोजन समझते हैं, बेटियाँ घर की लक्ष्मी होती हैं और एक साथ दो परिवारों को चलाती हैं। इसका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन अच्छी शांति मिलती है इसलिए अपन कराते हैं। जी, कितने तारीख में जो सम्मेलन? अभी 30 मार्च को है और 80 जोड़े हैं इसमें। जी, दादा ने बताया कि इसमें 30 जोड़े, 80 जोड़े हैं और 30।